किस चीज का चर्चा करने वाले हैं? जल चक्र के बारे में। जल चक्र किसे कहा जाता है? सागरों और जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया में कौन कौन सा मुख्य बात होता है? वाष्पीकरण, है ना, और संघनन। आप लोग को मालूम होगा कि सूर्य की रोशनी में गर्मी होती है, ताप होता है उसका, है ना, ऊष्मा होती है। उसके कारण जो जलाशयों के पानी है वो भाप बन करके वायुमंडल में चले जाते हैं, उनका संघनन होता है और संघनन के बाद वे बादल के रूप में निर्मित हो जाते हैं। जल चक्र की प्रक्रिया में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी छोड़ा नहीं जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं, जड़ से जल को अपनी आवश्यकता के लिए अवशोषित करते हैं, और जो अतिरिक्त जल होता है वो पत्तियों के माध्यम से होकर के वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा जो जल के कण है वो भाप के रूप में, वाष्प के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। बाद में उनका क्या होता है? संघनन होता है। क्या होता है? संघनन के बाद, अनुकूल परिस्थिति के बाद वो वर्षा जल के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। इस तरह से जल का चक्रण होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र। क्या कहते हैं? जल चक्र।